आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ध्रुव राठी के अगेंस्ट, लेकिन लास्ट वीक मैंने देखा कि एल्विश यादव ध्रुव राठी पे रोस्ट बनाने वाला है, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी देखो, एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा मेरी कुछ थी नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज एल्विश यादव, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी ना, उसमें भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है, क्योंकि पहले तो एल्विश यादव ने रोस्ट आ रहा है ये बोल के हाइप बना दी, फिर उसके बाद रोस्ट भी नहीं किया, ही मेड एन एक्सपोज वीडियो, और एक्सपोज भी इतना गंदा। ट्राई तो उसने पूरा किया ध्रुव राठी के कंटेंट को कॉपी करने का, लेकिन भाई वीडियो क्वालिटी को भी कॉपी कर लेते, ये क्या था? ऑडियो डिस्टॉर्टेड थी, वीडियो एडिटिंग वाज बैड, एंड स्क्रिप्टिंग तो आप पूछो ही मत, उसमें बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। और आज हम सबके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वीडियो स्टार्ट होती है उसके 5 मिनट तक का पार्ट तो आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है स्पॉन्सर्स के अलावा। एल्विश यादव ने वीडियो में दो दो स्पॉन्सर्स ऐड किए हैं। हम देंगे MPL ओपिनियो पे और वहां पे जीतेंगे, बढ़िया, ठीक है। अभी आप आयरनी देखो, कुछ महीने पहले मनीषा रानी ने एल्विश यादव पे वीडियो बनाई थी, उसने भी स्पॉन्सर ऐड कर दिया था, जिसपे एल्विश ने उसे ट्रोल किया था। बेसिकली मनीषा जो अपना वीडियो अपलोड की उसमें वो एक स्पॉन्सर भी ऐड की थी स्टार्टिंग में, तो इस ऐड को लेकर एल्विश यादव उनको रोस्ट कर दिए। आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। हाँ भाई, अपनी ना एक वीडियो आने वाली है अभी, उसमें ना फेस वॉश का ब्रांड चाहिए, उस पर क्लिक्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, एक स्पॉन्सर का जुगाड़ करना। अब बंदा खुद अपनी वीडियो में दो दो स्पॉन्सर ऐड कर रहा है स्टार्टिंग में ही। इसको सब पता है ध्रुव राठी के नाम से व्यूज आने वाले हैं, बहुत लालची बंदा है ये। मूविंग ऑन, तो वीडियो इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में इसने बात करी कि कैसे ध्रुव राठी के आम आदमी पार्टी के साथ लिंक्स हैं, जिसमें इसने बोला कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए गाने भी लिखता है, उनके मैनिफेस्टो डिजाइन करता है, उनके वीडियोज भी एडिट करता है, आम आदमी पार्टी के IT सेल की रिसर्च टीम में भी है, और उनके कहने पे स्पेशल YouTube पे वीडियोस भी अपलोड करता है। सो बेसिकली आम आदमी पार्टी के सारे काम ध्रुव राठी ही संभालता है, और ध्रुव राठी के अलावा उनके पास कोई और बंदा नहीं है, अकॉर्डिंग टू एल्विश। अब यहाँ पे एल्विश ने इतने सारे इल्जाम तो लगा दिए, लेकिन बिना सबूत के उनका कोई भी मतलब नहीं है, और उसने बोला भी कि आपको सारे जो भी सोर्स लिंक्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो जो मैं चीज बोल रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इसने खुद बोला कि सोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक करके मुझे फिर से डिसअपॉइंटमेंट ही हुई, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी सोर्स लिंक नहीं था, और दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है। एक बार आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, पहले तो इसने अपने स्पॉन्सर्स के लिंक दिए हुए हैं, उसके बाद क्रेडिट्स हैं, फिर वही सब, मेरा गेमिंग चैनल फॉलो कर लो, मेरा म्यूजिक लेबल फॉलो कर लो, मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक एक्स सब पे फॉलो कर लो, सिस्टम क्लोदिंग पे मर्च खरीदो, और मेरी एल्विश यादव फाउंडेशन पे डोनेशन भी दो। यार ये कितना लालची बंदा है। फिर ये बोलता है कि तब भी कोई हमें लालच नहीं था और हमें आज भी कोई लालच नहीं। एनीवेज, इसने कोई सोर्स लिंक नहीं दिए, तो अभी सोर्स क्या है? ट्रस्ट एल्विश यादव? वो तो हम नहीं कर सकते। सो आई वेंट टू रिसर्च, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एल्विश यादव ने ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि केजरीवाल जी ने एक बार ध्रुव राठी की वीडियो ट्विटर पे शेयर कर दी थी, जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इसने बाद में जो बोला कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, उनके मैनिफेस्टो डिजाइन करता था, गाने लिखता था, ये सब, इसका मुझे कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, बिकॉज जो फोटोज एल्विश ने अपनी वीडियो में यूज करी वो सब कोरा से उठाई गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी कोरा से है, ये भी कोरा से है। अभी कोरा कोई रेप्यूटेड न्यूज आउटलेट तो है नहीं, सबको पता है कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी लॉग इन करके कुछ भी लिख सकता है। सो वी डोंट नो इफ द फोटोज आर जेन्युइन और नॉट, फेक भी हो सकती हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, एंड पर्सनली मैं आप तक कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी। अगर सोर्स जेन्युइन होता मैं आपको बताती, बट कोरा इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी कांट ट्रस्ट इट। अभी एल्विश यादव ने पहले तो कोरा से फोटोज उठा के ध्रुव राठी पे काफी बड़े इल्जाम लगाए, उसको डायरेक्टली कुत्ता बोला, और अपनी ऑडियंस को प्रोवोक भी किया कि उसे जाके आम आदमी पार्टी का पिल्ला बुलाएं। इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं, इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में।
दिस इज साइबर बुलियंग और ये बहुत गलत है. आई डोंट नो हाउ पीपल आर ओके विद इट एंड नॉर्मलाइजिंग दिस, बट नहीं करना चाहिए नॉर्मलाइज. मूविंग ऑन, तो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें एल्विश यादव ने बताया कि ध्रुव राठी के पीछे किसका हाथ है. इसमें कई नाम हमें सुनने को मिले, जैसे कि आदिल अमन, हर्ष मंदार, उमर खालिद और जॉर्ज सोरोस. अब मैं आपको एक एक करके सच्चाई बताऊंगी और एल्विश यादव बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज होने वाला है. सबसे पहले हम बात करेंगे आदिल अमन की. साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे. उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन. पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे. तो पहले मैं आपको बता दूं, आदिल अमन कोई पब्लिक फिगर नहीं है, ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय, ठीक है. और उसने ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कमेंट किए थे जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी को असैसिनेट करने की बात कही गई थी. इन्हीं कमेंट्स की वजह से आदिल अमन लोगों की नजरों में आया और मुझे इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल्स भी मिले जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है दैट ही इज अ सेल्फ डिक्लेयर्ड आम आदमी पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट. सेल्फ डिक्लेयर्ड यानी कि ये सच में आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, बस उसने खुद ही अपनी मर्जी से फेसबुक पे आम आदमी पार्टी का नाम लिख दिया. अब ऐसा उसने अटेंशन के लिए किया या बदनाम करने के लिए किया, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज ही इज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ आम आदमी पार्टी. दूसरी चीज, जो इसका फेसबुक पेज था ध्रुव राठी के साथ, वो भी जेन्युइन नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पे ध्रुव राठी की आईडी वेरीफाइड नहीं है. सो वी डोंट नो इफ इट्स अ रियल अकाउंट और फेक अकाउंट. सो बेसिकली इट वाज अ र्यूमर, लेकिन एल्विश यादव ने इस र्यूमर को एज अ सच्चाई पेश किया. अब बात करते हैं हम हर्ष मंदार की. हर्ष मंदार इज अ राइटर, एक्टिविस्ट एंड एक्स IAS ऑफिसर. और ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक कारवाए मोहब्बत नाम का NGO चलाते हैं और NGO चलाना कोई बुरी बात नहीं है. यहाँ पे एल्विश यादव ने हर्ष मंदार और आदिल अमन का कनेक्शन फिट करने के लिए ये बोला कि आदिल अमन कारवाए मोहब्बत का पार्ट है. और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक NGO के साथ काम कर रहे हैं. और उसका प्रूफ क्या दिया, वही आदिल अमन का फेसबुक पेज. अब आप खुद समझदार हैं, फेसबुक पे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है. उस बंदे ने पहले खुद को आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट भी बताया लेकिन असल में वो नहीं था. सो यहाँ पे एल्विश की बात का कोई भी फैक्ट या प्रूफ नहीं है. आगे चल के एल्विश यादव ने हर्ष मंदार का कांग्रेस के साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश करी. जी हाँ, वही हर्ष मंदार जो कि सोनिया गांधी की एडवाइजरी कमेटी में था. तो मैं यहाँ पे आप सबको बता दूं, हर्ष मंदार सोनिया गांधी की एडवाइजरी सर्विस में नहीं थे. ही वर्क्ड फॉर इंडियन एडवाइजरी सर्विस. सिर्फ यही नहीं, आप जूम करके देखो, इसने पीछे जो फोटो लगा रखा है उस फोटो में ये बंदा हर्ष मंदार है ही नहीं. दिस इज हर्ष मंदार. जस्ट बिकॉज उनकी हेयर स्टाइल सेम है तो क्या किसी को भी हर्ष मंदार बोल दोगे? अगर ये बंदा पूरा गंजा होता तो क्या उसको श्याम शर्मा बोल देते? मतलब हद होती है. कुछ भी. आगे चल के हर्ष मंदार को एंटी हिंदू प्रूफ करने की कोशिश करी गई. भाई हर्ष मंदार जो हिंदुओं को झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में PIL फाइल करता है तिस्ता से तलवार जैसे लोगों के साथ मिलके. पीछे PIL की फोटो देख रहे हैं. अब इसको थोड़ा जूम करिए. लिखा है When and where did you meet Dalai Lama? अब आप सोच रहे होंगे Dalai Lama कहां से आ गए? So this is an interview of Harmandir Singh. Harmandir Singh हर्ष मंदार नहीं है. He's a different guy. वो एक high ranking Indian officer थे और वो Dalai Lama से मिले थे, तब की उनकी इंटरव्यू है ये. अब just because उनके नाम सिमिलर हैं, तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया. मतलब हद होती है यार. कुछ भी. And funny thing is कि लोग इसे देख के खुश हो रहे हैं कि एल्विश यादव ने क्या एक्सपोज बनाया है. एल्विश भाई, आगे चल के ये हर्ष मंदार और ध्रुव राठी का कनेक्शन बनाता है कि कैसे ध्रुव राठी हर्ष मंदार के ट्वीट करने के 2 दिन बाद उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता है. हर्ष मंदार के ट्वीट और ध्रुव राठी की वीडियो, उसके बीच में जितना भी ये गैप आ रहा है ना, जैसे सपोज 4 तारीख को उसने ट्वीट करा, 6 तारीख को इसकी वीडियो आ गई. जो 2 दिन का गैप है ना, वो स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग का है. थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना दी एडिटिंग का, नहीं तो भैया ये सेम टाइम पे टूलकिट काम करती है. और भाई अगर तुम्हें यकीन ना आता हो ना, तो एक काम करना, हर्ष मंदार के ट्वीट जाके चेक कर लेना, उनकी टाइमिंग चेक करना, टाइम चेक करना, और साथ में ध्रुव राठी की वीडियो की टाइमिंग चेक करना कि कितने दिन का गैप होता है. इसको लगा था कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन मैं एक्चुअली में गई थी उसके ट्विटर पे और मैंने चेक किया और आप देख सकते हैं उसने राम मंदिर पे 2020 में ट्वीट किया था, लेकिन ध्रुव राठी ने 2024 में राम मंदिर पे वीडियो बनाई. तो यहाँ पे एल्विश यादव का 2 दिन वाला फॉर्मूला फेल हो गया. और सिर्फ यही नहीं, उसने जो डिक्टेटरशिप वाली वीडियो पे ट्वीट दिखाया था उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, खुद पढ़ लेना. उसमें कहीं पे भी मोदी जी को डिक्टेटर नहीं बोला गया है. आगे हम बात करेंगे जॉर्ज सोरोस की. जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है, इज अ हेज फंड मैनेजर एंड ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट. वो अक्सर लोगों के
वेलफेयर के लिए चैरिटी करते रहते हैं, उनकी अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन इंडिया ही इज फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। उन्होंने मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी, जिनमें से एक अभी हमारे एल्विश भाई आपको बताएंगे। जो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, वो $1 बिलियन मोदी जी को हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। असल में जॉर्ज सोरोस का एक प्रोजेक्ट है ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ये बेसिकली एक ग्लोबल एजुकेशनल नेटवर्क है टीचिंग और रिसर्च के लिए। उसमें $1 बिलियन डोनेट करने की बात हुई थी और उसने ये बोला था कि उसकी यूनिवर्सिटीज डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। तो मोदी जी बीच में कहां से आ गए? आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग हिम अ डिक्टेटर? एनीवेज आगे चल के इसने ध्रुव राठी का तो जॉर्ज सोरोस के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, लेकिन हर्ष मंदार का कनेक्शन दिखाया। अब आप इसको भी जूम करके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है हर्ष मंदार वर्क्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 decades फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया कि वो IAS ऑफिसर थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एल्विश यादव हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जॉर्ज सोरोस के अंडर आती है। बंदा वहीं पे नहीं रुका, आगे चल के इसने किसी ना किसी तरीके से उमर खालिद को भी बीच में घुसा दिया। साथ में मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली दंगे हुए थे उसका जो मुख्य आरोपी था उमर खालिद, उसके फ्रेंड है आदिल अमन, आदिल अमन के फ्रेंड है हमारे ध्रुव राठी जी। सुन लिया आप सबने, उमर खालिद का फ्रेंड है आदिल अमन और आदिल अमन का फ्रेंड है ध्रुव राठी। अब ये फ्रेंड्स कैसे हैं, क्यों हैं, ये सब आप नहीं पूछ सकते, बस एल्विश भाई ने बोल दिया कि वो फ्रेंड्स हैं तो वो हैं। उनको पता नहीं है अभी, लेकिन वो हैं। सोर्स ट्रस्ट एल्विश यादव। कुछ भी पता है, ये पूरा 41 मिनट का ड्रामा देखने के बाद मेरा इसको वीडियो बुलाने का भी मन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, खिचड़ी है। एल्विश यादव ने खिचड़ी बनाई है। एंड नो वंडर इसने सोर्सेज रिवील नहीं किए, बिकॉज अगर होते तो करता ना, सोर्सेज है ही नहीं। एल्विश यादव इज लिटरली रेंटिंग हियर। एंड यू नो ये सब तो एक बार के लिए मैं फिर भी इग्नोर कर देती, लेकिन आगे चल के इसने वही अपना पुराना हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका एविडेंट इस्लामोफोबिया छुपता नहीं है। मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी कोई भाई के ऊपर एक्सपोज है वीडियो निकालता है या फिर कुछ भी क्रिटिसाइज करता है, किसी भी टाइप की कोई भी कॉन्टेंट बनाता है, तो उसके नीचे एक खास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जरूर मिलते हैं। मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमारे ध्रुव भाई को, और आज हमारा भाई बहुत बड़ा हिंदू शेर बन के घूम रहा है कि मैं तो बड़ा राम भक्त हूं। और आजकल भाई इसने एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट कर रखा है, एक बॉट आर्मी बना रखी है जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, जिससे ये लगे कि हिंदू भी ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं। एल्विश यादव के पास पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति है, इसको कमेंट पढ़ के लोगों का रिलीजन पता चल जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ध्रुव राठी एंटी नेशनल है और उसे सिर्फ मुस्लिम देखते हैं, जो भी हिंदू उसे देखता है वो हिंदू नहीं है, वो बॉट अकाउंट है। चलो हम वहम का इलाज तो कर नहीं सकते, लेकिन अब देखिए कोई सेंस थी इस बात की? ये ध्रुव राठी को एक्सपोज कर रहा है तो उसके बारे में बताए ना, अब उसको हिंदू देख रहे हैं या मुस्लिम देख रहे हैं, व्हाई डज इट मैटर? अब ध्रुव राठी थोड़ी ये सब कंट्रोल कर सकता कि उसे कौन से रिलीजन के लोग देख। और ये बात एल्विश को भी अच्छे से पता है। ये बंदा फिर भी ऐसी स्टेटमेंट्स देके मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है जानबूझ के। अब ऐसी स्टेटमेंट देगा तो लोग तो बोलेंगे ही एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एट द एंड इसने एक और चीज बोली। ध्रुव अपनी वीडियो में बोलता है अल्लाह अकबर मींस गॉड इज ग्रेट, जो कि गलत बोल रहा है, क्योंकि अकबर इज सुपरलेटिव, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट, कि वो लोग मानते हैं कि हमारा गॉड ही ग्रेटेस्ट है, बल्कि उन्हीं का ही गॉड है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है दैट अल्लाहू अकबर मींस गॉड इज ग्रेटेस्ट, लेकिन अल्लाह यहाँ पे गॉड की लिटरल ट्रांसलेशन है अरबिक में। जैसे हम भगवान या ईश्वर बोलते हैं, उसी तरह से अल्लाह भी गॉड को बोला जाता है। इट्स जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज। उनका भगवान और हमारा भगवान कोई अलग नहीं है, बस नाम अलग है। एंड आई रियली होप कि ये बात एल्विश को भी समझ आ जाए, ताकि वो ऐसी फालतू की बातें करना बंद कर दे। सीरियसली दिस इज 2024, ग्रो अप एल्विश।